सपना गुड बेटा शाबाश। जगविंदर, कुबेर, मेघा, सरिता, ओके, निखिल स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे। तो बेटा आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा वेबसाइट प्रोजेक्ट है क्या चीज है, कैसे हम बनाते हैं। बड़ा सिंपल कोड है इसका, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, आपने भी कंफ्यूज नहीं होना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बड़े आसानी से इसको समझ जाए। गॉट इट? देखिए बच्चे, प्रोजेक्ट है क्या चीज है, प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट या कोई भी पर्सन, उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी। योर फर्स्ट जॉब इज उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉलेज का ऑनर है या कोई स्कूल का ऑनर है, कोई बुक शॉप है या कोई हॉस्पिटल का ऑनर है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसकी प्रॉब्लम देखनी है कि किस चीज की उसको दिक्कत आ रही है। क्या वो मैनेज नहीं कर पा रहा अपना हॉस्पिटल, उसको डेटा कौन सा कलेक्ट करके रखना है, कैसे उसको डेटा स्टोर करना है, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, उसकी प्रॉब्लम पूछनी है। एक बार बच्चे आपकी प्रॉब्लम आपके हाथ में आ गई कि उस बच्चे उसकी क्या प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट की, आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चे, सेकेंड स्टेप में आप एक छोटा सा काम करेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज का जो प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस टाइप का बनाने जा रहे हैं हम लोग। अब आपको करना क्या है, आपके पास सबसे पहले एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप स्टूडेंट का डेटा एंटर कर सको। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा स्क्रीन होना चाहिए जिसके ऊपर आप डेटा को एंटर कर सकें। एक बार डेटा आपने एंटर कर दिया कुछ लेआउट डिजाइन करके, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के लिए हम फ्रंट एंड यूज करते हैं, इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग फ्रंट एंड यूज करते हैं, जिसमें HTML, JavaScript, CSS ये यूज किया जाता है। जब आपने वो लेआउट तैयार कर लिया जहां पर आपने एंट्री करनी है डेटा की, अब इस डेटा को जाकर के कहीं ना कहीं तो सेव करना होगा ना हमें, तो जहां पर भी हमने सेव करना है इस डेटा को, उसके लिए वी नीड डेटाबेस, हमें उसके लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डेटाबेस जो हम यूज करते हैं, MySQL यूज करते हैं PHP के साथ प्रोजेक्ट बनाने। अब देखिए, फ्रंट एंड से यानी मेन पेज से हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, हमने डेटा सेंड कर दिया डेटाबेस में। अब डेटाबेस में ये सेव नहीं होगा, अभी तो दूसरे पेज पर गया है, तो वहां पर आपको वो वाली कोडिंग लिखनी होगी जिसके साथ आप डेटा को सेव कर सकते हो। तो वो कोडिंग किस में लिखी जाती है बेटा, PHP में लिखी जाती है। वो कोड जो लिखा जाता है वो PHP में लिखा जाता है, क्योंकि PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये आपने याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मे बी प्रैक्टिकल में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए आप। तो आपने डेटा को मेन पेज से, जहां पर आपने HTML यूज किया, यहां से डेटा दूसरे पेज पर सेंड कर दिया जहां पर आप PHP यूज करके डेटा को डेटाबेस में सेव करोगे। अब डेटाबेस क्या चीज है, जस्ट लाइक बुक है आपके पास, आपने देखा होगा कि अगर आप अपना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जैसे घर में ही कुछ हम लोग हिसाब किताब रखते हैं तो दूध वाले का हिसाब होता है, देन वी हैव न्यूज़पेपर वाले का हिसाब होता है, तो हम लोग लिखते रहते हैं डेटाबेस में सेक्शन बना करके एक ही कॉपी लगा करके। तो इन द सेम मैनर हमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, वो इज जस्ट ए नोटबुक है वो हमारी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना देते हैं। जैसे बुक में हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, इस पार्ट में हमने ये वाला डेटा सेव करना है, इस पार्ट में हमने ये वाला डेटा सेव करना है। तो वो टेबल जो आप क्रिएट करेंगे वो डेटाबेस में क्रिएट करेंगे आप। क्लियर? यहां तक किसी की कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और जब डेटा बच्चे हमारा एक बार ही डेटाबेस एक बार ही दूसरी फाइल पर चला गया, वहां पर PHP को यूज करके हम डेटा को सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर, एंड दैट्स इट। ये एक पेज का डेटा सेव किया, ऐसे सेकंड पेज का डेटा सेव करेंगे, ऐसे थर्ड पेज का डेटा सेव करेंगे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का डेटा अगर सेव कर देंगे तो ये जो कलेक्शन बन गई बेटा पेजेस की,
इसी को ही हम लोग एक प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसी को ही हम लोग एक अपना हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, अगर ये कलेक्टिवली सारे के सारे काम करने शुरू कर। प्रोजेक्ट में और क्या होता है इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट में होता है जो डेटा हमने एंटर किया है हम उसको अपडेट कर सकें, जब चाहे चेंज कर सकें, जब चाहे डिलीट कर सकें, जब चाहे देख सकें उसको। यही चार ऑपरेशंस होते हैं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला ऑपरेशन, नया रिकॉर्ड उसमें क्रिएट हो जाए, सेकेंड उसमें रीड करने वाला, जो रिकॉर्ड हमने डाल दिया उसको डेटा को रीड कर सकें हम, नेक्स्ट अपडेट करना, ऑपरेशन अपडेट करना कि जो डेटा डाला है उसको जब मर्जी चाहे अपडेट भी कर सकें, और लास्ट है डिलीट करना, जब मर्जी चाहे उसको डिलीट भी कर सकें। तो ये जो कंप्लीट पेजेस का कलेक्शन बन गई, इसी को बेटा आप लोग प्रोजेक्ट बोलते हो या इसको सॉफ्टवेयर बोलते हो, और यही सॉफ्टवेयर हमने बनाना है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती, या कोई ये हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती, बस आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सीखनी होगी। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है बेटा प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव, और यू मे राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख दिए नो डाउट, दैट्स इट, ताकि मुझे लग जाए मालूम कि किसी को कोई डाउट नहीं है। आप चैट बॉक्स में डाल करके नो डाउट ऐसा करके लिख दीजिए बेटा। इस सेशन को हमने थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं, कौन कौन सा कैसे हमें प्रोजेक्ट के लिए रेडी करना है अपने आप को, कैसे प्रोजेक्ट में हमने बनाना है प्रोजेक्ट, उसके बेसिक्स क्या हैं, तो मैं वो आपके साथ वन बाय वन बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं। गॉट इट? तो कीप दिस थिंग इन माइंड, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, मैं वन बाय वन वही चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, जस्ट हैव ए लुक, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए यहां पर बेटा, आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी अभी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में जाकर के आप लोग लिखिए बूटस्ट्रैप 5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास चाहिए HTML, आपके पास चाहिए CSS, आपके पास चाहिए JavaScript, आपके पास चाहिए PHP और MySQL चाहिए डेटाबेस के लिए। बेटा जो प्लेन टेक्स्ट आप लिखते हो स्क्रीन पर दैट इज HTML, जो आप टैग्स वगैरह में लिखते हो दैट इज नथिंग बट HTML, वही है HTML। फिर उसके बाद आपने अगर सुंदर सा ब्यूटीफुल सा इंटरफेस डिजाइन करना है, भी आपके बटन्स ऐसे हो, कलर रंग रेड हो उनका, ब्लू हो, ग्रीन हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐसा आए, या उसमें ऊपर से मार्जिन इतना हो, ये सब चीजें जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं वो करते हैं बच्चे CSS में। कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसकी फुल फॉर्म, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो आपने प्रोग्रामिंग करनी है डेटा को, जो आपका मेन पेज है, इंडेक्स पेज है स्टार्टिंग वाला, वहां से डेटा को अगर आपने सेंड करके दूसरे पेज पर ले करके जाना है, तो उसके लिए बच्चे आप लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उस पर्पज के लिए यूज की जाती है। या आप एनिमेशन, थोड़ा बहुत एनिमेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में थोड़ा एनिमेशन सा हो जाए कुछ, तो बेटा उसके लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो बात आ जाती है आपकी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनमें से जो CSS है वो हमारा टाइम बहुत ले लेता है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है, और दूसरा काम जो आप जावास्क्रिप्ट लिखने में कोड टाइम लगाते हैं वो बहुत सारा काम, बहुत सारा टाइम आपका वहां पर भी वेस्ट हो जाता है, तो हमें वही टाइम को सेव करना है। इसके लिए क्या हुआ हुआ है, इसके लिए याद रखना दो फ्रेमवर्क बने हुए हैं, एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है। जो फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप, मतलब उसमें पहले से ही सारी CSS हो रखी है, पहले से ही सारी कंप्लीट CSS पहले से हो रखी है, सिर्फ आपको उसकी क्लासेस को यूज करके उसको यूज करना आना चाहिए।
और जो जावास्क्रिप्ट है उसका कोड एक लाइब्रेरी में पहले से लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं जेक्वेरी। तो वो जेक्वेरी वाला जो कोड है वो भी फाइल आपके पास होनी चाहिए। गॉट इट? तो मैं अब टर्न बाय टर्न पूरा सेटअप बना रहा हूं। आप लोग भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने जो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो वो ऐसा ही सेटअप आप लोग बना लें पहले। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया आपने बूटस्ट्रैप में जाना है। बूटस्ट्रैप में जाने के बाद बूटस्ट्रैप 5 ये पहला है, देखिए आपके सामने लिंक आ चुका है, जस्ट क्लिक इट। और क्लिक करने के बाद यहां डाउनलोड में जा करके यहां पर देखिए नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे आप तो कंपाइल्ड CSS एंड JS फाइल, ये दो फाइल जो हैं यहां पर उसने बोली है डाउनलोड करने के लिए। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं। मैं फॉर द टाइम बीइंग सी ड्राइव में जा करके, चलिए सी में नहीं जाते हैं, पहले हम लोग इसको डेस्कटॉप पे करते हैं, फिर बाद में जब डेटाबेस से डील करेंगे तब करेंगे। यहां एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बेटा आपका, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो मैं इसका नाम वर्कशॉप ही रख लेता हूं, वर्कशॉप। क्लियर? अब इसी प्रोजेक्ट में इसी फोल्डर में मैं ये दोनों फाइल्स को सेव करूंगा। डाउनलोड, ये डाउनलोड हो चुकी है फाइल्स मेरे पास, मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में होंगी आई थिंक सो। तो वहां जा करके जस्ट ए मिनट, यस डाउनलोड में जाते हैं हम लोग। और यहां से बेटा ये रहा मेरे पास बूटस्ट्रैप की फोल्डर जो कंप्रेस्ड वर्जन है, मैं इसको कट करता हूं और जो डेस्कटॉप पर हमने बनाया था वर्कशॉप नाम का जो फोल्डर, इसके अंदर बेटा मैं इसको सेव पेस्ट कर देता हूं। और यहीं पर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। अब स्टूडेंट्स मुझे जिप ये जो फोल्डर है कंप्रेस मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। और इसका नाम, इस फोल्डर का नाम वही रख लेते हैं जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं अभी जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या SMS कर देते हैं, SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देखिए बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे उनमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ आपने टाइटल बदलने हैं या जो डेटा कलेक्ट करना है वो बदलना है, बाकी सब कुछ डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है, डिलीशन, अपडेशन, इंसर्शन वो कैसे करना है, वो सारा कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर? अब इस फोल्डर के अंदर जाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए वी हैव टू मोर फोल्डर्स, एक JS वाला फोल्डर बन गया, एक CSS वाला फोल्डर बन गया। कीप दिस थिंग इन माइंड। पिक्चर नॉट क्लियर विजिबल। यहां पर बच्चे ऐसा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि मे बी आपकी तरफ से नेट के थोड़ा इश्यू हो, अदरवाइज बाकी प्लीज मेंशन करें कि आपकी तरफ इमेज जो है पिक्चर क्लियर है। बच्चे प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आपकी तरफ इमेज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है आपको, राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, जल्दी से लिखिए नहीं तो टाइम वेस्ट इसी बातों में हो जाएगा। Not properly. कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका वीडियो तैयार कर रहा हूं तो आई विल शेयर। सर नॉट सो क्लियर, नो क्लियर, नो प्रॉब्लम, मैं इसका वीडियो रेडी कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव CSS फोल्डर, नाम से ही क्लियर है कि इसमें CSS पड़ा हुआ होगा। JS फोल्डर, नाम से क्लियर है इसमें JS JavaScript की फाइल्स होंगी यहां पर। चलिए अब CSS वाले फोल्डर में जा करके, बहुत सारी फाइल्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं इसको बहुत ईजी कर दूंगा आपके लिए। कंट्रोल A दबा के सेलेक्ट कीजिए आप, और सिर्फ दो फाइल्स, ये बूटस्ट्रैप वाली फाइल और बूटस्ट्रैप मिन वाली फाइल को छोड़ के बाकी सब डिलीट कर दीजिए, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। देखिए दो फाइल्स रह जाएंगी। Now I think you will feel much comfortable. ठीक है, तो CSS वाले फोल्डर में we have just two files. अभी JS वाले में जाते हैं, देखते हैं कितनी फाइल्स हैं, वहां पर भी बहुत सारी फाइल्स हैं। Just select all the files. ये bootstrap वाला और bootstrap min वाला, ये दोनों आप छोड़ दीजिए, एक एक बंडल वाला छोड़ दीजिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए अभी। Got it? तो इस तरह से बच्चे मेरे पास ये bootstrap का सेटअप रेडी हो गया है। देखिए आप, बूटस्ट्रैप मतलब आपका प्रोजेक्ट का नाम है SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके अंदर यू कैन सी CSS नाम का फोल्डर है जिसमें जस्ट टू फाइल्स हैं, और JS नाम का फोल्डर है जिसमें जस्ट
थ्री फाइल्स हैं, इसमें से बंडल वाली भी अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे रख ली है, अदरवाइज बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप मेन यही दो चलनी थी हमारे पास। ओके, अब मैंने बोला था आपको कि मुझे jQuery नाम का भी एक फाइल चाहिए होती है, लेकिन उससे पहले मैं इसी फोल्डर में SMS वाला जो प्रोजेक्ट वाला आपका फोल्डर है, इसमें एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं बच्चे, IMG नाम का फोल्डर, जिसमें इमेजेस डालेंगे। IMG नाम से ही क्लियर है, इमेजेस डाल दी, इसमें इमेजेस डालेंगे। नेक्स्ट हमारी जॉब रहेगी jQuery वाली फाइल को लेकर के आना। jQuery भी जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है, तो हम वापस जाते हैं यहां पर ब्राउजर में जाकर के यहां क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे jQuery.com। क्लिक किया, ये देखिए बेटा यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स jQuery का एक वेबसाइट खुल चुकी है यहां पर। इसमें डाउनलोड में जाइए आप, और यहां पर जो भी jQuery का फर्स्ट वर्जन है, ये देखिए यहां पर एक कंप्रेस्ड वर्जन है और नीचे अनकंप्रेस्ड वर्जन है, 3.6.0 करके लिखा हुआ है यहां पर। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इतनी लंबी फाइल मेरे पास आ चुकी होगी, मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना, जस्ट इसको बेटा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है आपने, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है आपने, और जहां पर भी आपका दिल करता है आप उसको एक बारी पेस्ट कर लें यहां पर। ओके, मेरे पास कुछ मैसेज आया है चैट बॉक्स में, जस्ट एन मिनट। ब्लर पिक्चर, दानिश नो प्रॉब्लम, हम लोग इसी ग्रुप में, जो हमने ग्रुप बनाया है इसी में मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप उस वक्त उसमें देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल आप सुनते रहिए। तो मैंने ये jQuery जो है नोटपैड प्लस प्लस में या नोटपैड कहीं पर भी आपका दिल कर रहा है उसमें कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और इसको आप सेव करेंगे हम लोग, और कीप दिस थिंग इन माइंड, सेव करना कहां पर है आपको, देखिए सेव करने के लिए जो आपने अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था जिसका नाम वर्कशॉप रखा था, उसके अंदर SMS, हमारा प्रोजेक्ट का नाम SMS है, उसके अंदर गए हम लोग, और यहां पर ये जो JS वाला फोल्डर है ना, क्योंकि jQuery भी तो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है ना, तो JS वाले फोल्डर में इसको सेव करेंगे इस तरह से, और इसका नाम देंगे jQuery.js, सेव। ओके, तो ये फाइल हमारी jQuery वाली फाइल जो है बेटा सेव हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इसको हम बंद कर देते हैं, अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं कि क्या हुआ उसमें। देखिए बेटा CSS बन चुका है हमारा, IMG की इमेजेस अभी डाली नहीं हमने, जब डालेंगे तब देखेंगे, और JS वाला फोल्डर जिसमें तीन चार फाइल्स हो जाएंगी अभी, एक बूटस्ट्रैप बंडल वाली JS वाली थी, एक बूटस्ट्रैप वाली JS है, एक बूटस्ट्रैप main.js है, और एक jQuery.js, ये वाली फाइल है। बेसिकली अगर हम बूटस्ट्रैप 5 यूज करते हैं ना, तो उसमें हमें jQuery की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कुछ फर्दर, मुझे कहीं रिक्वायरमेंट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया इसको यहाँ, इस फाइल को। क्लियर। नेक्स्ट हम अपने काम को और थोड़ा इजी करने के लिए एक और आगे टास्क परफॉर्म करेंगे, हमें एडिटर कौन सा यूज करना है, क्योंकि हमें जब टाइपिंग करनी है तो हमारा काम बड़ा सिंपल सा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड, ये एडिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, बड़ा कंफर्टेबल सा एडिटर है ये। ओके, कैसे यूज करना है, पहले डाउनलोड कैसे करना है उसको देखिए, जस्ट एड्रेस बार में जाकर के लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड, दैट्स इट। ये देखिए पहला लिंक मेरे पास आ चुका है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहां क्लिक करते हैं हम लोग। क्लियर, और यहां पर विंडो के लिए मुझे डाउनलोड करना है, मुझे चेक करना होगा मेरी विंडो में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, 64 बिट है 32 बिट है, वो देखना पड़ेगा आपको, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे देख लेना। यहां से हम लोग विंडो के लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो डाउनलोड करेंगे। फाइन, ये डाउनलोड देखिए मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर मेरे पास आ गया है। एक बार डाउनलोड हो गया आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ये कैसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 आपको करे जाना है, यू विल बी एबल टू इंस्टॉल दिस विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं, मैं यूज भी कर रहा हूं इसको, तो फाइन। अब जब एक बार ही विजुअल स्टूडियो कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने उसके बाद क्या करना है, मैं इसको ये सारा अभी यहां से बंद कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड भी सारा कुछ बंद कर रहा हूँ यहां से, सेव इसको बंद कर देते हैं। ओके, या
तो स्टूडेंट्स इस तरह का आइकन विजुअल स्टूडियो कोड का जो है, आई थिंक वन मैसेज इज देयर, ओके या, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड का ये मैं आपको अभी आइकन दिखाता हूं यहां पर, जस्ट ए मिनट, या ये देखिए स्टूडेंट्स ये आइकन यहां पर अवेलेबल है। इस आइकन को आपने क्लिक करना है इसको चलाने के लिए, विजुअल स्टूडियो कोड, गॉट इट। तो मैं यहां से इसको ऑन कर लेता हूं, जस्ट क्लिक द आइकन, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से कुछ जो खुला हुआ होगा वो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है यहां पर, गॉट इट। मैं फाइल में जा करके, क्योंकि मुझे तो अपने आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है ना, तो मैं उस फोल्डर को यहां से ओपन करूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहां पर ऑप्शन आ रही है ओपन फोल्डर, क्लिक कीजिए इसको, और उसके बाद आप डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहां पर आपके फोल्डर का नाम था वर्कशॉप, और वर्कशॉप के अंदर एसएमएस वाला फोल्डर है, इसमें आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, गॉट इट। तो इसको क्लिक करके यहां से सिलेक्ट फोल्डर कर देना आपने, देखिए। तो स्टूडेंट उस फोल्डर में जो भी कुछ था, सब फोल्डर्स थे, वो सारे फोल्डर्स बेटा आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर सीएसएस वाला फोल्डर, उसमें ये टू फाइल्स थी हमारे पास, bootstrap.css, bootstrap.min.css। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, आई होप नाउ इट इज विजिबल टू, क्लियर। उसके बाद img वाला फोल्डर अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं किया। js वाला फोल्डर है, उसमें फोर फाइल्स थी, ये रही bootstrap.bundle, bootstrap.js, bootstrap.min.js एंड jquery.js, ये फाइल्स jquery। याद रखना जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका सिस्टमेटिकली पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि जब आपके प्रोजेक्ट को खोला जाए तो उसमें पता चलना चाहिए भी कौन सी चीज कहां पे पड़ी हुई है। इसी तरह से आपने अपना प्रोजेक्ट भी बनाना है, क्लियर। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं बूट्स, ये विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। वो प्लगइन्स कौन कौन से हैं वो देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ बेटा, एक्सटेंशन इसको क्लिक कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटेंशन है इसको क्लिक कीजिए। तो यहां पर जो पहली एक्सटेंशन आपको यहां पर इंस्टॉल करनी है वो करनी है CSS IntelliSense, ऐसे करके होगी CSS IntelliSense, IntelliSense। ये देखिए ये पहली एक्सटेंशन यहां पे आ गई है जिसमें बूटस्ट्रैप बना हुआ है, इसको क्लिक कीजिए आप, और यहां से देखिए मेरे यहां पर ये सेटिंग वाला आइकन बना हुआ है, आपके यहां पर होगा ऐसा इंस्टॉल, ऐसा करके बटन आएगा इंस्टॉल, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओके। एक ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, क्लियर। देन सेकेंड जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है वो है ऑटो HTML, ये देखिए यहां पर मैंने किया ऑटो रीनेम टैग, लेकिन यहां पर बता रहा हूं आपको ऑटो कंप्लीट, यहां पर ऑटो कंप्लीट, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आ गया ऑटो कंप्लीट टैग, ये टैग मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों ने ये एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लेनी है, क्लियर। ऐसे ही ऑटो क्लोज टैग है, ये नीचे दिया हुआ है, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है इन प्लगइन्स को। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड इन द चैट बॉक्स और यू कैन राइट द मैसेज इन द चैट बॉक्स, यस स्टूडेंट्स, अदरवाइज नो डाउट ऐसा करके मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए आप, यस स्टूडेंट्स। बेटा जल्दी से लिखिए ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, हम आगे आगे कंटिन्यू करें, कम टाइम में मैक्सिमम सीख जाओगे आप, वी हैव लिमिटेड टाइम। ओके ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना विजुअल जो स्टूडियो कोड है वो हमने रेडी कर लिया है, क्लियर। और हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ये थ्री फोल्डर्स हैं, एक फोल्डर और एक्स्ट्रा बनाएंगे हम लोग। ये देखिए फोल्डर बनाने के लिए अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पर आप टॉप पे जाएंगे, बीच में आइकन है न्यू फोल्डर, क्लिक कीजिए इसको,
और यहां पर फोल्डर का नाम रखेंगे डेटाबेस, क्योंकि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करनी है, डेटाबेस फोल्डर का नाम रखेंगे। ये देखिए मैंने रख दिया यहां पर। एक और फोल्डर बनाते हैं हम लोग, उसका नाम रखते हैं एक्स्ट्रा, उसमें एक्स्ट्रा कई चीजें डालने वाली होंगी वो डालेंगे हम लोग, क्लियर। ये देखिए एक्स्ट्रा भी, सॉरी ये डेटाबेस में ही चला गया, मुझे यहां से डिलीट करना होगा इसको। इसको डिलीट कर देते हैं, मूव टू रिसाइकल बिन। ओके, अब नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे एक्स्ट्रा, एंड दैट्स इट। वन मोर फोल्डर डेटाबेस का हो गया, दैट्स इट। तो ये था हमारा फ्रंट एंड के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी है, जो हमने वन वीक में ये जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए फुल फ्लेज हमने जो है अपनी तैयारी कर ली है। हमारा बूटस्ट्रैप रेडी हो चुका है, हमारा जो एडिटर है वो रेडी हो चुका है, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में हम काम कर रहे हैं, एडिटर इज रेडी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बैकएंड पे हमने जो काम करना है, हमारे पास पीएचपी एक सर्वर होना चाहिए जहां पे डेटाबेस होगा, वो सर्वर भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैम सर्वर या वैम सर्वर। सर्वर क्या है बेसिकली, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जस्ट लिसन। या यस, अब देखिए सर्वर नाम से तो पता चल ही रहा है, सर्वर मतलब कुछ ना कुछ सर्व करने वाला है। ओके, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, आपके पास एक इंटरफेस है, आपने कुछ एंट्री किया या कुछ सर्च कर रहे हैं, मुझे एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, वो सर्च कर रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया, सर्च बटन को प्रेस किया। तो बेटा ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेश्चन है, यहां से ये जाएगा सर्वर के पास। सर्वर एक और कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, सर्वर जो सॉफ्टवेयर है वहां पर, वो हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा इस रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट में जो भी लिखा हुआ होगा उसके बेसिस पर अपने डेटाबेस के अंदर, जो वहां पर टेबल्स पड़े हैं उन टेबल्स के अंदर, उसको सर्च करेगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपने पर्टिकुलर एक रोल नंबर डाला था, उसकी डिटेल चाहिए, तो आपने रोल नंबर वहां भेजा, सर्वर ने ये रोल नंबर रिसीव किया, इस रोल नंबर को लेकर के सर्वर ढूंढेगा टेबल के अंदर कि ये डेटा है किसी सर्वर किसी टेबल में। अगर वहां पर उस टेबल में वो डेटा होगा तो सर्वर वहां से इस डेटा को फेच करके आपको वापस भेज देगा आपके पेज के ऊपर जहां पर आपने रिक्वेस्ट की। और उसके नीचे जो इनपुट बॉक्स लगे हुए हैं या जो भी आपने डेटा के लिए कंट्रोल्स लगाए हैं, वहां पर ये सारा डेटा फेच होकर के वहां पर आ जाए और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप उस डेटा को चेंज करना चाहते हो तो आप अपडेट वाला बटन दबा दोगे, अपडेट वाला पेज खुल जाएगा, उसके ऊपर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कीजिए, उसके बाद अपडेट वाला बटन या सेव वाला बटन दोबारा से प्रेस कर दीजिए तो जो आपने डेटा लगाया था वो वापस चला जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपने उसको डिलीट करना है आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने उसको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई और रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं आप और रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं। काम सिर्फ यही है आपके प्रोजेक्ट का, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस आपको ब्यूटीफाई करना है और आपको कन्विंस करना है कि आपने जो डिसाइड किया था वही बनाया आपने, दैट्स इट, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्लियर। तो मैं बात कर रहा था सर्वर साइड, अब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, वापस चलते हैं हम लोग गूगल में, देखिए यहां पर, और यहां पर लिखेंगे हम लोग जैम सर्वर, जैम सर्वर, गॉट इट। देखिए हमारे पास पहला ही लिंक आ जाएगा, डाउनलोड जैम पी अपाचे, इसमें सर्वर रहेगा आपका जो सॉफ्टवेयर है जो चलेगा। यहां पर उसने यहां दिए हुए हैं सर्वर, पहला है डाउनलोड 64 बिट, आप इसी को क्लिक करेंगे बच्चे, नीचे लाइनिक्स के लिए था ऊपर विंडो के लिए है, तो हम लाइनिक्स वाला जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए ये डाउनलोड के लिए रेडी हो गया इंस्टॉलर इसका मेरे पास, मैं जहां मर्जी चाहूं चाहे डेस्कटॉप पर चाहूं मैं इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेता। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, चलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं यहां पर, कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। ओके, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मैं कर चुका हूं इंस्टॉल। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कीप दिस थिंग इन माइंड, स्क्रीन नॉट विजिबल, कुबेर जस्ट ए मिनट, ओके ओके ओके। ये देखिए अभी आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को, देखिए स्टूडेंट्स अभी स्क्रीन विजिबल है आपको,
चलिए चलते हैं आगे। या तो वो जो XAMPP सर्वर था, मैंने दोबारा एक बार करके दिखा देता हूं किस तरह से है। आप XAMPP में जाएंगे डाउनलोड में, ये वाला पेज था वो, यहां से जो फर्स्ट लिंक है डाउनलोड 64 बिट, इसको क्लिक करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसको क्लिक क्लिक करके आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पर। जब ये एक बार इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप सी ड्राइव में जाएं, क्योंकि जनरली सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाता है। सी ड्राइव में जाने के बाद यहां पर क्लिक करें आप, और यहां पर हमारे पास XAMPP नाम का एक फोल्डर बन चुका है, इसको क्लिक करें आप। इसके अंदर देखिए ऑरेंज कलर के तीन आइकन्स होंगे यहां, XAMPP स्टार्ट, XAMPP स्टॉप एंड XAMPP कंट्रोल। आपको XAMPP कंट्रोल आइकन को क्लिक करना है, डबल क्लिक। क्लियर? जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे, उस कंट्रोल के अंदर ऑप्शन आ जाएगी, मैं अभी आपको दिखाता हूं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहां पर XAMPP चल रहा था, मैंने इसको बंद नहीं किया तो इसलिए उसने कंट्रोल दिखाया नहीं मुझे। ये आ गया, देखिए कंट्रोल। और इस कंट्रोल में बाय डिफॉल्ट ये जो स्टॉप स्टॉप लिखा है ना, यहां पर स्टॉप नहीं होता, यहां पर स्टार्ट होता है लिखा हुआ, यहां स्टार्ट होता है पहले दो पेजेस पे। यहां देखिए अपाचे लिखे है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपाचे लिखा हुआ है, और नीचे माई एसक्यूएल है, और इसके सामने स्टॉप स्टॉप की बजाय यहां पर भी स्टार्ट लिखा हुआ होता है। गॉट इट? एंड जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर लिखा होता है किस पोर्ट पर आपका ये सर्वर चलेगा। 80 नंबर पोर्ट पे चलता है बाय डिफॉल्ट, 80 पोर्ट 80 पर। क्लियर? जब आप इसको स्टार्ट का बटन क्लिक कर देंगे, दोनों पहले दो बटन आपको क्लिक करने हैं, अपाचे का भी माई एसक्यूएल का भी, ये दोनों बटन क्लिक करने हैं। जब आप दोनों इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये जो अपाचे और माई एसक्यूएल है, इसकी बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगी, जैसा कि अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल है और चल भी रहा है। क्लियर? यहां तक आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। माई एसक्यूएल एंड अपाचे, यहां ये दोनों ऑन हो चुके हैं। अब इसको हम यहां से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब हम वापस चलते हैं, ये जो वर्कशॉप वाला फोल्डर है आपका, इसको मैं राइट क्लिक यहां से करता हूं, कट करता हूं, और वापस जो सी ड्राइव में जाएंगे हम, क्योंकि हमने अब सर्वर इंस्टॉल कर लिया है तो सर्वर साइड पे काम करेंगे हम लोग। सी ड्राइव में जाकर के सी में गए, सी ड्राइव में XAMPP जो सर्वर था, XAMPP फोल्डर, उसमें गए हम लोग, और वहां पर htdocs नाम का ये जो फोल्डर आपको दिखाई देगा ना, htdocs, इसके अंदर जा करके वो जो वर्कशॉप वाला था यहां पर, उसको पेस्ट कर दो। अभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल ओपन है, हमने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर रखा है। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड में से इसको बेटा बंद करेंगे हम यहां से, ओके और अब यहां पर इसको पेस्ट करेंगे, देखते हैं अब पेस्ट होता है कि नहीं होता। लेट्स सी, वापस जाते हैं स्क्रीन पर, ये वर्कशॉप था, राइट क्लिक किया, कट किया, यहां गए वापस htdocs में गए, और यहां जाकर के इसको पेस्ट होना है। स्टूडेंट देखिए ये पेस्ट हो चुका है। ये वर्कशॉप जो है, इस फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, SMS फोल्डर। गॉट इट? तो अब विजुअल स्टूडियो कोड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके और उस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे यहां पर, जस्ट ओपन फोल्डर, और अभी हमारा फोल्डर जो है वो सी ड्राइव में चला गया है, तो हम सी ड्राइव में जाएंगे और सी ड्राइव में XAMPP फोल्डर में जाएंगे, देन htdocs में जाएंगे, देन वर्कशॉप में जाएंगे, और यहां SMS जो हमारा फोल्डर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो ये फोल्डर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए दोबारा से वो आ चुका है, वही वाला फोल्डर है, देखिए CSS में बूटस्ट्रैप है, ये सब चीजें हैं यहां। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा, अब हम प्रोजेक्ट की तरफ फोकस करते हैं। गॉट इट? मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा इजी सा लेआउट की कैसे बनाना है आपको प्रोजेक्ट, SMS का तो प्लान कर लिया हमने कैसे बनाना है, आज हम थोड़ा सा क्लासेस के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे।
आई होप कि आपको मालूम भी होगा, लेकिन कोड देखिएगा कि किस तरह से आपका कोड इजी हो जाएगा आज काम करना। हम पहली फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं और नाम रखते हैं index.php, index.php, ये मेरी फाइल आ गई है। एक और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे जिसको CSS वाले फोल्डर में हमने बनाना है, ये CSS का फोल्डर, और इसके अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम रखेंगे style.css। ये खुद के स्टाइल हम बनाने के लिए यूज करेंगे इसको, style.css। देखिए तो CSS वाले फोल्डर में तीन फाइल्स आपकी आ चुकी हैं, डाटाबेस वाले में भी कुछ नहीं आया, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं, इमेज में कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट जो JS वाला फोल्डर है उसमें 4 फाइल्स आ चुकी हैं। अब हम वापस जाते हैं इंडेक्स वाले, ये जो पेज है हमारा, ये वाला PHP वाला, इसको सेलेक्ट किया मैंने, बाकी मैं फाइल्स सारी डिलीट रिमूव कर देता हूं ऊपर से, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। PHP वाला जो इंडेक्स वाला जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, और यहां पर हम सिंपली HTML लिखेंगे। देखिए जैसे ही आपने HTML लिखा आपके पास हिंट आ गया यहां पर, ये क्यों आया, क्योंकि जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए थे ना इंटेलिजेंस वगैरह वाले जो थे ऑटो कंप्लीट वाले, वहां उनकी वजह से ये आया। आपको HTML5 को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये टैग बना बनाया सब कुछ आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं, अदरवाइज ये विजिबल नहीं रहेगा। देखिए ओके, ये देखिए बेसिक जो है फॉर्म बन के आ चुका है आपके सामने। ओके, अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है हमने, वो सेटिंग क्या रहेगी, ये जो हेड सेक्शन का जहां पर एंड हो रहा है ना, ये वाला हेड सेक्शन का एंड हो रहा है, यहां पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, बूटस्ट्रैप वाला जो फोल्डर हमने खोल रखा था ऑलरेडी, बूटस्ट्रैप वाला जो पेज था उसको ओपन कीजिए। यहां पर देखिए दो लिंक है, यहां पर एक स्क्रिप्ट का है और करके एक है CSS का है, इन दोनों को कॉपी कीजिए आप। कंट्रोल सी करके कॉपी किया, वापस विजुअल स्टूडियो में गए और यहां पर जाकर के दोनों को पेस्ट कर दिया, और इसमें से बहुत सारी चीजें हम डिलीट कर देंगे। कौन कौन सी है वो देखिए आप, देखिए ये जो इंटीग्रिटी लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं यहां से सारा डिलीट कर रहा हूं, मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। और ये नेक्स्ट जो वर्ड था ये इसको भी डिलीट कर देना है, वी हैव दिस वन। जस्ट ऐसे ही नीचे वाला जो लाइन है उसमें भी इंटीग्रिटी समथिंग कुछ लिखा हुआ है, इसको भी डिलीट कर देंगे। फाइन, अब आप आगे देखिए, ये कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, HTTP लिंक करके लिखा हुआ है इसने, और किसके साथ जुड़ा, CSS के साथ जुड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप वाली फाइल को देखिए, बूटस्ट्रैप min.css लिखा हुआ है। लेकिन ये डिस्ट वगैरह तो मेरे पास तो है नहीं है, तो मैंने तो CSS में ही रखा हुआ है, तो बेटा आप सारा ये डिलीट कर दीजिए, नेक्स्ट जो इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको डिलीट कर दीजिए और CSS वाले फोल्डर से स्टार्ट कीजिए, css/bootstrap/min। मिन की बजाय आपको मिन लिखना है मिन कर दीजिए, अगर दूसरा लिखना है तो बिना मिन के भी चलेगा, क्योंकि दोनों फाइल्स हमने रखी हुई है वहां पर, तो ये चलेगा, कोई इशू नहीं। ऐसे ही नीचे वाले में जा करके यहां से भी HTTP वाले को डिलीट करेंगे हम लोग, कहां तक, JS तक डिलीट करेंगे। देखिए JS, उसके बाद JS के अंदर bootstrap.bundle.min भी है, JS ये भी है, तो मैं यहां पर सिंपली bootstrap.min.js चलाऊंगा या सिंपली bootstrap.js चलाऊंगा, जो भी चलाएंगे इट विल वर्क, देयर इज नो इशू। क्लियर। अब एक काम आपने और करना है, देखिए ये जो लिंक वाली फाइल है ना CSS वाली, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और इसी के नीचे पेस्ट कर दीजिए, और एक नाम और देना है, इसका नाम चेंज कर देना है। अभी आपने एक फाइल बनाई थी ना स्टाइल, तो style.css नाम का यहां पर पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। क्लियर। इसी तरह से ये जो बूटस्ट्रैप वाला पार्ट है इसको भी हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और नीचे पेस्ट भी कर देते हैं इसके नीचे पेस्ट। ठीक है, अब कीप दिस थिंग इन माइंड, जो ऊपर वाला पोर्शन है JS का इसके अंदर यहां पर लिखेंगे jQuery, क्योंकि jQuery भी तो बनाया था आपने, लिया था jQuery.js। क्लियर। तो बेटा ये याद रखना कि इसका जो सीक्वेंस है वो यही रहना चाहिए, सीक्वेंस डिस्टर्ब मत करना, उसका रीजन है वो डिटेल में है, वो आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे हम। ओके, नहीं तो कई बार कोड आपका चलेगा नहीं, दिक्कत आएगी। तो ये इस तरह से आपने यहां पर मेंशन कर दिया कोड।
फाइन। नेक्स्ट, अब मैं आपको पहला आपका जो स्टार्टिंग है बूटस्ट्रैप की, कैसा देखिए बन के आएगा ये सारा, मैं वो करके दिखा रहा हूं। जस्ट हैव इट लुक। हम वापस गए यहां पर, वापस जाने के बाद कंपोनेंट में गए आप लोग, नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बेटा यहां पर, जस्ट ए मिनट मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये कंपोनेंट आ रहा है, इन कंपोनेंट्स को हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, इसमें से सबसे पहले होता है नेविगेशन बार, तो ये नेव बार, ये जो आइकन आपको नजर आएगा यहीं पर नेव बार, उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके राइट हैंड साइड पे उसकी डिटेल आ चुकी है, ये रही उसकी डिटेल। क्लियर? तो मैं इस डिटेल को कॉपी करता हूं, यहां से कॉपी किया और विजुअल स्टूडियो कोड में यहां पर जाने के बाद यहां पर जो बॉडी टैग है, ये देखिए बॉडी टैग आ गया ना, ये बॉडी टैग, यहां पर पहले हम एक डिव बनाएंगे, डिव, ये डिव बनाया हमने और डिव के अंदर इसको एक क्लास असाइन करेंगे। क्लासेस का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको पता होगा। कंटेनर बनाएंगे हम लोग, कंटेनर क्लास, कंटेनर फ्लूइड है इसका नाम। ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, इसके बारे में डिटेल में आगे जाकर के बताऊंगा आपको। ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर बना देगा जिसमें सब कुछ आपने सेव करना है, सब कुछ। क्लियर? मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया मैंने और सेव कर लेता हूं, सेव भी कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है स्क्रीन पर। देखिए आपका बना हुआ जो अभी पेज बनाया है, उसको बनाने के लिए हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि सर्वर पे काम चल रहा है, लोकल होस्ट स्लैश उसका नाम था वर्कशॉप आपके फोल्डर का, और उसके अंदर है फोल्डर एसएमएस। मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो देखिए बेटा जी आपका प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। स्क्रीन देखिए, ये देखिए ये सब कुछ चल रहा है। मैं इसको थोड़ा डार्क करके दिखाता हूं तब क्लियर होगा। ये देखिए अभी आ तो गया है लेकिन डार्क नहीं है। ये देखिए सब चल रहा है, बटन वगैरह देखिए सब चल रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन भी चलेगा ये, लेकिन अभी डार्क नहीं है। तो डार्क कैसे करना है, सिंपली आप इसी पेज पे वापस जाइए, यहां पर देखिए, यहां पर नेव बार जो पहली लाइन थी ना कंटेनर के अंदर, जो पहली लाइन है यहां पर लिखा नेव, नेव बार एक्सपेंड एल जी, नेव बार लाइट, तो ये जो नेव बार लाइट है आप इसको लिख दीजिए डार्क, और जो बीजी लाइट है उसको भी कर दीजिए डार्क। अभी देखते हैं क्या होगा, वापस गए और रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए बेटा ऐसी ही नेविगेशन बार हो रही है, देखिए। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड से ये पेज के साथ जुड़ी नहीं हुई है। देखिए ध्यान से, जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये, यहां पर ये ब्लैंक व्हाइट स्पेस आ रहा है, यहां पर भी ये व्हाइट स्पेस आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, अभी ठीक कर देते हैं उसको। देखिए वापस गए हम लोग, तो ये जो हमने ऊपर लगाया था ना डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड, इसको भी डिलीट कर देना है आपने। ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूं, और नीचे जाके बॉडी से ऊपर जो एक डिव बचा था ना, ये वाला जो आया था ये उसी का डिव है, इसको भी डिलीट कर देना। वो एक्स्ट्रा लगा दिया था, वो नहीं लगाना, स्टार्टिंग वाला कंटेनर वाला नहीं लगाना। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए जुड़ गया ये दोनों तरफ से, देखिए यहां तक। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। फाइन स्टूडेंट्स, मैं कुछ टाइम के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। मैं सबको ये अनम्यूट कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए, जस्ट ए मिनट। मैंने आपको बेटा परमिशन दे दी है अनम्यूट करने के लिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपने और डिस्कस करना है या पॉइंट कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं मुझे, अनम्यूट कीजिए पहले आपको, और जो भी पूछना है पूछ सकते हैं बच्चे।